जो तुमने मुझसे वादा किया उसका क्या, उस गिफ्ट का क्या जो तुम उसे देना चाहते हो? जो तुमने बच्चों से वादा किया उसका क्या? गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं उसका क्या, उसका क्या? इसके लिए हम फ्रेज यूज़ करेंगे व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट। चलिए इसको यूज़ करने के कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा व्हाट, इसके बाद अबाउट, अबाउट के बाद आपको यूज़ कर देनी है नाउन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर मेन वर्ब आएगा तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। आप लिखोगे पहले व्हाट, इसके बाद अबाउट, इसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझ लेते हैं। जो तुमने मुझसे वादा किया उसका क्या? व्हाट अबाउट द प्रॉमिस दैट यू मेड टू मी, व्हाट अबाउट द प्रॉमिस दैट यू मेड टू मी। मैं जानती हूँ तुम पिकनिक जाना चाहते हो, लेकिन पढ़ाई का क्या? I know you want to go to the picnic, but what about study? I know you want to go to the picnic, but what about study? उस गिफ्ट का क्या जो तुम उसे देना चाहते हो? What about the gift that you want to give her? What about the gift that you want to give her? जो तुमने बच्चों से वादा किया उसका क्या? What about the promise that you made to kids? What about the promise that you made to kids?